पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। देवेंद्र फडणवीस, असदुद्दीन अवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को दिया रिप्ले और जिहाद को लिखे। हाँ, आपने स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो देख ही लिया होगा, जो कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट यहीं देता हूँ। तो आप सबसे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता कि असदुद्दीन अवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को किस तरह से रिप्ले दिया और क्यों दिया। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने असदुद्दीन अवैसी को क्या बोला था। तो आप सभी को बता दूं, एक प्रोग्राम के अंदर देवेंद्र फडणवीस और जिहाद को लेकर कुछ बातें कर रहे थे, उसी का रिप्ले असदुद्दीन अवैसी ने दिया। लेकिन उससे पहले आप देवेंद्र फडणवीस का वीडियो देख लीजिए, किस तरह उन्होंने क्या बोला था और जिहाद को लेकर। चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। हाँ, तो आपने देवेंद्र फडणवीस का वीडियो देख ही लिया होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने और जिहाद को लेके क्या बोला था। अब उसी का रिप्ले देते हुए असदुद्दीन अवैसी ने क्या बोला, आप सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी का भी वीडियो देख लीजिए। और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो अवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलए को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए, डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। हाँ, तो आपने असदुद्दीन अवैसी का वीडियो देख ही लाऊंगा। असदुद्दीन अवैसी ने किस तरह से रिप्लाई दिया कि फडणवीस और मोदी तुम मेरे जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ तक के सही है और जिहाद को लेके, जिस तरह से आए दिन मुद्दे उठाए जाते हैं और जिहाद को लेकर। अब इसी पर आपका क्या बोलना, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक ऐसे ऐसे जिहाद निकल कर आ जा रहे जिसका तो लोगों को पता भी था नहीं, कभी मेहंदी जिहाद, कभी कुछ जिहाद, कभी ये जिहाद, कभी वो जिहाद। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए और जिहाद को लेके इस पर आपका क्या बोलना है। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।